सवेरे सबने सुना कि दो शक्तियां, एक साइंस की शक्ति, साइंस की शक्ति अलग काल के सुख जरूर देती है, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी है, क्योंकि साइलेंस आध्यात्मिक शक्ति, साइलेंस की शक्ति के द्वारा बिगर अधूरा है। अगर साइलेंस साइंस के साथ, साइंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति मिलती है तो स्वर्ग का निर्माण होता है। साइलेंस, साइंस सब कुछ नहीं है तो साइंस ने उनके मोबाइल दिया, प्लेन बना के दिया, घर बैठे टीवी में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके कारण नुकसान भी है। अगर उसके साथ आध्यात्मिक शक्ति हो, साइलेंस पावर, आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, ज्ञान और योग चाहिए, नहीं तो हमारा समय, हमारी बुद्धि, अगर मोबाइल आप बहुत यूज करो बुद्धि खत्म हो जाती है। उसके अंदर ऐसी शक्ति है, बुद्धि की शक्ति को खींचता है और ऐसी दुनिया के सारा किचड़ा भर देता है। न चाहते हुए भी मन में अच्छे विचार आना चाहिए, बुद्धि स्वच्छ रहना चाहिए। नहीं, बुद्धि क्या कर रही पता नहीं चलता, सारे दुखों का कारण ही है बुद्धि की अस्वच्छता। और बाबा आके कहते हैं बुद्धि को स्वच्छ करो। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। लेकिन आज तक हमको लगा शांति माना शांत होके बैठना, मुख का शांति है, भौतिक रूप से बोलेंगे नहीं, लेकिन मन में भी विचार नहीं आना चाहिए। मन में विचार ना आए, ऐसे हो सकता है मन विचार ही नहीं करे, हो सकता है नहीं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी मन शांत खाली नहीं रहता, मन के अंदर विचार चलता रहेगा। आत्मा अगर शरीर छोड़ के भी गई तो भी मन खाली नहीं रहता, मन के अंदर विचार चलता रहता, वो चैतन्य शक्ति है, जड़ नहीं है। तो यहां मन की शांति माना मन का मौन कहते हैं, मन में मौन रखा मैंने, आज मुख से बोलते नहीं है लेकिन मन, मन तो सोचता है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ज्ञान समझ में दिया बाबा ने कि मन में कोई देह देहधारी का विचार नहीं चलना चाहिए, देह का देहधारी होगा, दुनिया के जो पुरानी दुनिया उसके विचार मन में अगर नहीं चलते हैं, सिर्फ आत्मचिंतन, परमात्मचिंतन, अच्छे विचार अगर चलते हैं तो उसको कहते हैं मन शांत है। वो मन, शांत मन सदा हर्षित रहता, खुश, वही मन में विचार चलते हैं किसी देहधारी का, उसने वो अच्छा है, वो खराब है, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसे बोला था, अपने बिजनेस के प्रति, परिवार के प्रति, घर के प्रति, और कोई विचार चलते हैं पुरानी दुनिया के प्रति, वो आप सब लोग हंस रहे हैं, सब खुश है, लेकिन आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि अंदर आत्मा को दुख मिलता है उससे, देह और देहधारी के विचार से, भौतिक विचार से आत्मा खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति है। तो आत्मा के अंदर तब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, शुभ सोचो। तो शुभ क्या सोचे, कितना समय सोचे, सारा दिन में, उसकी एक व्यवस्था देता हूं। हम भी ऐसे करते हैं कि मन में व्यर्थ विकल्प आवे नहीं, देहधारी का विचार भी नहीं, सारा दिन में संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, सब कुछ करते हुए, हाँ जहां खाना बनाना है खाना बनाते समय खाने के प्रति दोष, जो कर्म करते उस समय उस कर्म के प्रति जरूर दोष, जरूर विचार आना चाहिए, आएगा भी, बाकी समय हमारा खाली है, उस समय में जो हमको जरूरत नहीं, खाली मन शैतान का काम करता है,
न चाहते हुए ये क्यों, ये क्या, ये कैसा होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, कल्पना चिंता वो आपको सदा हर्षित रहना नहीं देता। तो चिंता को संसार में रहते हुए आज की दुनिया में तनाव कहते हैं। तनाव का कारण, टेंशन का कारण क्या है भाई? एक ही शब्द है। पहले ये दुनिया में ऐसा था, किसी को एक काम बताओ वो 100% करता था। अगर किसी कारण नहीं किया, इतनी वफादारी थी, वो आके बताता था ये मेरे से नहीं होता, ये नहीं किया। आज ऐसा है, किसी पर विश्वास नहीं रख सकता। किसी को बोला हाँ करेगा लेकिन किया ही नहीं है, हजार कारण बताएगा मेरा ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हाँ आपका तो हुआ, मेरा क्या हुआ, जो मैंने कहा तो मेरे लिए क्या हुआ, मेरे लिए तनाव। और एक बार पता चल रहा है इनको कहा था ये करेगा नहीं, एक बार इसमें फंसाया था, तो जब भी उसको कुछ काम हो, कुछ जब भी कुछ कहो तो बाद में विचार चल रहा है, अरे करेगा कि नहीं, इसने ऐसा किया तो ऐसा होगा, उसने ऐसा किया था, उसने हमको उसको कहने के बाद भी उसने किया नहीं, तो पहले से संशय। तो पहले मनुष्य ने संसार में माँ बाप को, बच्चों को, किसी को संशय नहीं था। उदाहरण के लिए देखो, पहले बच्चे स्कूल में जाते थे, बच्चे स्कूल से गए, माँ बाप को, माँ को कोई चिंता नहीं, अपने समय पर आए थे, कभी दूसरे विचार ही नहीं आता। लेकिन आज टीवी में, न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, किसी का बच्चे को अपहरण करके लेके गए, किसी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, किसी के बच्चे को स्कूल में ऐसा हुआ, ये देखते हैं, सुनते हैं, गलत चीज अंदर भरी है। अभी बेटा अगर एक मिनट स्कूल से आने में देरी हो गया तो माता जी के मन में विचार चलता है, कारण सुना हुआ है, देखा हुआ है, ऐसे होता नहीं है। लेकिन ये चिंता का कारण कौन है? ये टीवी, ये मोबाइल, जो मीडिया साधन साइंस ने दिया मन को शांत करने की जगह पर मन के अंदर अशांति फैला। तो इसका मतलब साइंस का साधन यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई चीज इस दुनिया में खराब नहीं है, चीनी खराब नहीं है, लेकिन चीनी को कितना खाना चाहिए, जैसे एक ग्लास में एक चम्मच चीनी डालो वो गल जाती है, पानी के साथ मिल जाएगी, दो चम्मच डालो एक चम्मच गलेंगी नहीं, वो अंदर जम जाती है। यहां भी हम बहुत कुछ मीठा खाते हैं, बहुत कुछ चीनी खाते हैं, और कर्म कुछ नहीं है। जो खाना खाया, चीनी खाया, आलू के अंदर है, चावल के अंदर है, सब के अंदर है ग्लूकोज, जो भी हम खाते हैं वो चीनी मिठास वो हजम करना नहीं किया, जब अंदर जम जाती है तो उसको शुगर कहा, और कोई बीमारी कहा, फिर जाकर के कैंसर, सारी बीमारियों का कारण भी अति का अंत है। हर चीज की एक मर्यादा है, नियम है, एक ग्लास के अंदर एक चम्मच ही चीनी घुल सकती। इस संसार में साइंस ने हमको मोबाइल दिया, यूज करो, जब फोन करना है, जरूरी है तो यूज करो, 24 घंटा अपने साथ रखते रहो तो उसका इतना रेडिएशन है, करंट है, वो आपके शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। चीज अच्छी है, खराब कोई चीज नहीं दुनिया में, लेकिन कहां और कितना और किस समय यूज करना चाहिए उसकी मर्यादा है। कोई भी मर्यादा उल्लंघन करता है उसका दुरुपयोग अवश्य 100% है, आप हो या हम, कोई भी हो। 24 घंटा मोबाइल अपने साथ रखते हो, सोते समय भी तकिए के बाजू में रखते हो, सिर के बाजू में, उसकी तो इतनी करंट है तो वो अपने शरीर सहन नहीं कर सकता, उसका प्रभाव शरीर पर कुछ याद ही नहीं रहता। आज की दुनिया भूल गए, क्यों भूल गए, नींद नहीं आती है, ना चाहते मन में गलत विचार चलते हैं, और कहा जैसे सोचते हो ऐसे बनते हो, जैसे विचार वैसे अंदर ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं, रस निकलता है, बीमारियों का कारण भी विचार है।
तब कहा जैसे अन्न वैसा मन नहीं, वैसा तन शरीर पर है। अगर सड़ा हुआ दो तीन दिन पहले बना हुआ पुरानी चीज खाओ तो शरीर के अंदर जहर तैयार करेगा, खराब चीज है। ऐसी गलत चीज हम देखते हैं सुनते हैं तो मन शांत रहना चाहिए, संभव नहीं है। मन के अंदर अच्छे विचार आना चाहिए, संभव नहीं है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा आकर के शांति की शक्ति क्या है, तो सवेरे सवेरे उठते ही घर से शुरू करो मन को स्वच्छ रखने के। सवेरे उठते आंखें खोलते ही घर में सभी सोए हुए हैं, परिवार में सन्यासिनी है, गृहस्थ में रहते हैं, इस परिवार में सब लोग सोए हैं, घर में है, उठते पहले संकल्प करो शिव बाबा ये आपके बच्चे हैं, ये मेरा पति, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे नहीं, ये सब आपके बच्चे हैं। इन सब सबके प्रति शिव भावना बाबा, इन सबका कल्याण, इन सबको शांति की शक्ति दो। परिवार के प्रति पहले शुरू सोचो, उसको बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में पहले शांति हो। अगर घर में शांति नहीं, आप दूसरों को अगर आपको सुना हो कोई मानेगा आपको, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है और आप हमको शांति के ज्ञान बनाते हैं, कौन मानेगा? तो पहले स्वयं, आज बाबा ने मुरली में भी कहा सवेरे, पहले स्व परिवर्तन, स्वयं के मन को शांत करने के लिए ये मेरा शब्द जो है ना वो अशांत कर, मेरे बच्चे ठीक नहीं, मेरा पति ठीक नहीं, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसे, मेरा घर ऐसा, ये मेरा नहीं। सवेरे उठते अपने आप को एक पाठ करो, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का शिव बाबा का संसार है, उसने बनाया, उसमें हम पार्ट धारी है, कर्म कर। तो पहले सबसे पहले मन के अंदर, जीवन के अंदर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो पहला एक पाठ शुरू करो, उठते आंखें खुलते ही शिव बाबा ये सब आपका परिवार। फिर कर्म जब करने के लिए बाहर आते हो, किसी न किसी बाहर का व्यक्ति, अंदर का व्यक्ति कोई दिखाई देता है, औरों के प्रति शुरू सोचो, उनको देखते ही शिव बाबा का विचार, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति, ये नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग है। औरों को देखते शुरू विचार आना चाहिए, कितना भी खराब हो तो वो उसके स्वभाव संस्कार है, उसे क्या करना है, हम उसको परिवर्तन नहीं कर इतनी शक्ति तो नहीं, कम से कम शुद्ध हो तो सोच सकते हैं, शुद्ध भी नहीं सोच सकते हैं, बाबा को तो कह सकते हैं बाबा ये आपका बच्चा है, इस आत्मा को शांति की शक्ति दो। इसको कहते हैं शुभ भावना, इसको कहते हैं दुआएं, इसको कहते हैं मनसा सेवा। मन के अंदर औरों को देखते ही शुरू सोचने की आदत कर, तो मन स्वच्छ है, शांत है, उसका प्रभाव बुद्धि भी स्वच्छ है, उसका प्रभाव शरीर के पर भी किसी प्रकार के केमिकल गलत रस तैयार नहीं होते, एसिड तैयार नहीं होता है। आज एसिडिटी है, अल्सर है, अलग अलग नाम क्यों, जैसे सोचते हो ऐसे ग्लैंड्स तैयार होते हैं, रस निकलता है शरीर के अंदर ही अंदर। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए भी अच्छे विचार चाहिए, तब कहते जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे। तो क्या सोचना चाहिए, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुबह शिव बाबा आके सवेरे सवेरे मुरली सुनते, सवेरे सवेरे शुद्ध अन्न है ये खिलाओ अपने आप, आत्मा के शुद्ध विचार ही भोजन है, ये कहीं मिलता नहीं है। सवेरे उठते ही आप न्यूज़पेपर देखो, टीवी देख लो तो क्या मिलेगा, फिर भी बाबा ने बच्चों के लिए पीस ऑफ माइंड दिखाया, शुरू किया सवेरे देखो 6 से 7 मुरली चलती है, 5 से 6 कोई ना कोई क्लास चल रहा है। अगर जो माताएं परिवार वाले सेंटर में नहीं आ सकते सवेरे, उनके लिए भी बाबा ने ऐसी व्यवस्था बनाया, बच्चे सवेरे उठते ही पीस ऑफ माइंड देखो, उसके अंदर सवेरे सवेरे कोई क्लास चलेगा, 6 से 7 मुरली चलती है,
जो संग्रह में नहीं आ सकते, घर रहते हुए भी गृहस्थ को आश्रम दान, गृहस्थ आश्रम दान। ऐसे संग्रह में आना चाहिए जो मेरे नहीं आ सकते, परिवार है, संसार है, वो छोड़ के आओ नहीं कहा। गृहस्थ धर्म पहला धर्म है, वो कर्म करना चाहिए। वो करते हुए भी कर्म भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, सब कुछ करते हुए बार बार सुनाई देता है। हाँ, उसके जिनके पास टीवी नहीं है और भी प्रबंध है। जब आप स्नान करते हो, आज की दुनिया में मोबाइल में पहले एक दिन पहले ही मूवी आती है, क्लास चल रहे हैं, तो रात को डाउनलोड करके रखो, सवेरे स्नान करते समय मूवी सुनो, कोई क्लास सुनो, तो अच्छे विचार सवेरे सवेरे भरो। नहीं तो स्नान करते हुए आधा घंटा खाली है, इधर उधर के विचार चलते हैं। घर में आप भाई जो गाड़ी चलाते हो, घर में माताएं खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, झाड़ू लगाते हो, बहुत सारा समय हमारा खाली जाता है। तो खाली समय पर मन व्यर्थ विचार करता है, क्योंकि दुनिया से हमें इतने समय हमको व्यर्थ बातें मिली है, अच्छी बातें मिली नहीं। किसी को देख लो, किसी की चलन देख लो, हरेक की चलन अलग अलग है, विचार अलग है, आचरण अलग है, न चाहते हुए भी दिखाई देता है। उसको कहा घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में अपने को कैसे बचाए हम? तो सवेरे उठते एक दूसरा स्नान करते हो, मोबाइल दिया साइंस ने, उसका सदुपयोग करो जो कर सकते हैं। उसके बाद नाश्ता बनाते हो, खाना बनाते हो, कर्म तो करना है। करते हुए भी मेरे कान में बार बार ऐसे आवाज आता है, दूसरे विचार आने का समय नहीं दे, तो वो समय भी हम उसको कहते हैं योग युक्त खाना बनाओ। योग युक्त कैसे बनेगा? खाना बनाते हुए इधर उधर के विचार आएंगे, मन खाली है, तो निरंतर योग युक्त रहे तो कान में कुछ पढ़ते रहना चाहिए। अगर मुरली है, ज्ञान है, कोई अच्छे और अच्छी बातें भी आती है, तो वो भर रखो अपने पास। खाना बनाते, कपड़े धोते हो, गाड़ी चलाते हो, बिजनेस में सवेरे खाली होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन में, खेती में काम करते हो। अभी आजकल बहुत बुजुर्ग भाई बहने घर में सवेरे सवेरे खाली है, न्यूज पेपर लेके हम पढ़ते बैठते हैं। अगर पढ़ करके हम गलत चीजें अंदर करते हैं, नहीं पढ़ो ऐसे नहीं, पढ़ना चाहिए, उसका समय अलग है। सवेरे उठते ये करो, नाश्ता करो, नाश्ता करते समय भी हमारे पास समय है, खाली कोई बात करने की जरूरत नहीं, कुछ होता नहीं है। अगर अकेले भाई है, बुजुर्ग है, मुरली क्लास आता है, ऑन करके मोबाइल पर टेबल पर मोबाइल रखो, सुनते सुनते नाश्ता करो, बाबा की याद में बाबा का ज्ञान सुनते सुनते आप नाश्ता कर रहे हो। उसको कहते हैं अच्छे विचारों में जो खाना खाते हो वो हजम होता है, खुशी ही खुराक कहते हैं। खाना खुराक नहीं है, खाना अच्छे विचारों में खाते हो तो उसका रस बनता है, शक्ति मिलती है। वही खाना गलत विचार करते हुए खाते हो उससे भी ऐसे बनता है, विचार गलत, खाना अच्छा है लेकिन खाने को हजम करने वाला कौन? अच्छे विचार चाहिए। तो खाना खाते समय भी आपके पास समय है, मुरली चालू करो, कोई क्लास चालू करो, टेबल पर रखो, सुनते सुनते नाश्ता करो, कहते मौन में खाना करो, मुख से मौन है, मन क्या क्या सोचता है, कितनी गलत बातें है, कितनी, क्योंकि दुनिया से हमने एक प्रकार किया एक तरह से, और वो सुनते देखते भी हो, और हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख समस्या है। कलयुग में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको किसी प्रकार की चिंता न हो, लेकिन वो चिंता चलता रहे, वो न चले, उसके लिए प्रबंध करो कि हम जितना समय अच्छे विचार देने की कोशिश करें, जो साइंस ने हमको साधन दिया है उसका सदुपयोग करो। तीसरी बात, रात को सोते हो, दिन में सोते हो, नींद एकदम नहीं आती है, तो मुरली क्लास सुनते ऑन करो, सुनते सुनते सो गए, वो अपने आप एक घंटे के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, थोड़ा दूरी में रखो, तकिया के नीचे नहीं। अगर अकेले सोते हो, अगर दो तीन लोग सोते हो एक साथ में, तो एयरफोन है, लंबा वायर होता है, डाल रख करके, दूर रख करके, सुनते सुनते सो, अच्छे भी
चारों में सोते हो तो देखना बुरे स्वप्न नहीं आते। नहीं तो आज इस कलयुग की दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, अनेक के अंदर इतना पाप भरा हुआ है, तब का घोर कलयुग है। जो अंदर भरा हुआ वो बाहर आएगा। सारे दिन में अगर खाली है तो व्यर्थ विचारों के रूप में आएगा, रात को सोते बुरे स्वप्नों के रूप में आएगा, तो वो आना नहीं चाहिए। जैसे किचड़े का डब्बा है, भरा हुआ है, उसका ढक्कन खोलेंगे तो बदबू बाहर आएगी। अगर ढक्कन खुला नहीं, बंद है, अंदर है, तो सवेरे बताएगा अंदर जो भरा हुआ पाप है उसको मिटाने की तपस्या कैसे करनी चाहिए वो अभी भी बताऊंगा। क्योंकि अभी हमको आधा पौन घंटा योग भी करना चाहिए, नहीं तो सुनना ज्यादा होता है, करना ज्यादा कम होता है। संसार में भी रहते हुए आपको योग नहीं होता, ऐसा वातावरण नहीं है घर में। अगर आप 10 मिनट भी योग में बैठो, कोई आवाज आ रहा है, कोई मच्छर है, कोई ऐसा वातावरण नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान को भी देखो, ज्ञान ये बीज है, ये बीज ऐसी खेती में धरती पर डालो तब उगेगा, सूखी जमीन पर बीज डालो तो उगेगा। तो ज्ञान को यूज करने के लिए भी ऐसा संगठित रूप में वातावरण चाहिए। ऐसे वातावरण में बैठते हो तब देखना अच्छे विचार आते हैं, न चले बुद्धि अपने आप एकाग्र हो जाती है। तब कहते संगठन का महत्व है। इससे सवेरे कहने का कि ऐसा हॉल बनाओ, ऐसा वातावरण चाहिए, ऐसे वातावरण में आपका समय सारे कलप में ऐसा समय सदा नहीं मिल जाए। कोई किस कोने में होगा, कोई किस कोने में होगा, कोई घर में मूर्ति रख के पूजा करता है, संगठित रूप में अच्छे विचारों में एकत्रित बैठकर जो ध्यान करते हो और उससे जो शक्ति प्राप्त होती है उसको कहते हैं शांति की शक्ति, उसको कहते हैं योग की शक्ति। वो शक्ति अपने भी विकार विनाश करता है, वातावरण को भी शुद्ध करता है, और जो दुनिया के अंदर अशांति है उनको भी शांति के वाइब्रेशन देता है। जैसे फैन चलता है, हवा फैलता है चारों तरफ, अगर फैन चलाए नहीं हवा कैसे आएगी? आएगी? फैन गलत चलता है, गलत विचार करते हो तो कौन सी हवा फेंक रहे हो? अगर यहां बैठे हुए योग में बैठे हुए भी, इसलिए बाबा ने एक व्यवस्था दिया है, आप कभी मन में कभी आएगा कि योग करो कहते हैं और गीत बजा रहे हैं, क्यों गीत क्यों बजता है? फिर आपके विचार में योग करो कहते हैं, कोई बैठ के दृष्टि देते हैं, बहन जी से दृष्टि लेना चाहिए कि योग करना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, ये भी कभी विचार आता है। तो शिव बाबा ने बहुत दुरांदेशी से बच्चों का भाग्य बनाने के लिए, बच्चों को स्वच्छ बनाने के लिए विधि बनाई। क्योंकि बाबा के भी तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक नंबर वन, एक नंबर टू, एक नंबर थ्री। तीनों जो है ना राजा भी जो है, सभी राजा नहीं बनेंगे, राज परिवार में आने वाले रॉयल फैमिली वाले भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए। राजा किस पर राज करेगा? प्रजा भी चाहिए। तीनों प्रकार के बच्चे हैं, तो तीन विधियां रखी है। एक बच्चा देखो इधर बैठा है, उनको पता है, सिखाया हुआ है, बच्चे आत्मा समझ बाबा को याद करो, इन्होंने अच्छी तरह सुना है, यहां आके बैठते ही आराम से आके खोल के बैठते आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करते। नंबर वन, नंबर टू भी बैठी है, इधर बैठे बैठे क्या करेंगे, आंखें खुले बैठे अच्छे से, अरे उधर से जाने के बाद मार्केट से सब्जी ले जाना है, आज उसको ये कहना है, दुकान मार्केट से ये ले जाना है, तो मन में गलत संसार के ग्रस्त के विचार चलते हैं। तो क्या करें, एक अच्छा वाइब्रेशन फैला रहे, एक के मन में ग्रस्त के विचार चलते गलत, क्या करें? बाबा के दोनों बच्चे हैं, तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था बनाया बीच में गीत बजाता, कम से कम अच्छे विचार करो, अच्छे गीत सुनते रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। तीसरा भी बैठे हैं, वो भी योग में बैठे हैं, इच्छा है योग में इधर आके बैठे बैठे, कौन आया कौन गया इधर उधर देखते रहेंगे, स्थिर बुद्धि नहीं। उनके सामने टीचर बिठाया है, कोई मुझे देख रहा है, अलर्ट हो जाता है। किसी को बिठाया योग में क्यों बिठाते हैं, दृष्टि देने की, क्यों देखना चाहिए,
कि आपके लिए कोई मुझे देख रहा है, नहीं तो कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। मन स्थिर नहीं है, दृष्टि स्थिर नहीं, चंचल है। तो उन्हीं के लिए बाबा ने सामने टीचर लगा। तो तीन प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, तीनों लगे तीन प्रकार की व्यवस्था है। अभी आप सोचो, योग में बैठे आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, अपने आप से नंबर ले लो। आप कौन से बच्चे हो? योग में बैठते हुए इधर उधर देखते हो, दृष्टि जाती है, समझना नंबर तीन प्रजा हो। अपने आप को पूछो, जैसा कर्म वैसा पद मिलेगा ना? तो आप इधर बैठने के बाद भी क्या कर्म करते हो? योग में बैठे हो। अगर आपने देखा हुआ, मधुबन जाने के बाद भी बाबा को, बाबा से मिलने गए हो तो भी हॉल में बैठे, जब कैमरा आता है, दिखाई देता है, हाथ ऐसे करते, सारी दुनिया आपको देखती है, ये योग करने बैठे कि हाथ पिक्चर की थिएटर में बैठे हो, हाथ किसको दिखा रहे हो? योग करते चलो, हाथ इतना ऐसे ऐसे करना चाहिए, करते हुए देखा है ना, तो सारी दुनिया टीवी में देखती है, सारा विश्व ब्रह्मा कुमारी में ये मूवी सुन रहे हैं, बाबा मुझे सुना रहा है, ज्ञान योग करने बैठे हैं, और हाथ हिलाते कोई कैमरा सामने आते, कैमरा तो लगेगा ना, अभी एक कैमरा दिखाता है, फोटो निकाले, सारे विश्व में भेजता है, यहाँ ये बेटा भाई इतना छोटा सा, पता चलेगा आप सबको सारे विश्व में भेज रहा है। अगर आप में से यहाँ बैठे हुए किसी को नींद आई तो आपका चित्र कैसे जाएगा? सोचो, योग करने बैठे हो, नींद करने बैठे हो, इसे कहते। तो इसके लिए बाबा ने ये व्यवस्था बनाया है कि ये दीप क्यों बजता है, ये बहन जी बैठ के दृष्टि क्यों देती है। तो कई बच्चे अच्छे हैं, कई बच्चे आदर है, संस्कार, आराम से बैठा, आराम से नींद करते रहेंगे, मन स्थिर नहीं है, कभी कभी आते हैं धारणा नहीं है, ऐसी अटेंशन नहीं है। तो ये सारी चीजें दैवी गुणों में आता है। तो ज्ञानी है, समझदार है, तो जीवन में सदा इस पढ़ाई से दैवी मनुष्य को बाबा देवता बनाता है, दैवी गुण सिखाता है। तो भी देखो, कोई चीजों में ना एक चीज खराब होती है ना, कोई देखो दाल भी पिछले अच्छा है, एक कड़क पक्का ही नहीं है, तो कोई उसको कहता है कोई ना कोई कमजोरी रहती है, उसके कारण बाबा ने उनको भी ठीक करना, मेरा एक बच्चा भी साधारण नहीं, विशेष आत्मा है, सारे कल्प के सभी आत्माओं के आधार मूर्त को भगवान डायरेक्ट पढ़ाता है, इनडायरेक्ट नहीं, किसी के द्वारा नहीं, स्वयं इस धरती पर आकर वो भी कोटों में कोई है, ब्राह्मण कितने हैं, देवताएं कितने हैं, पांडव कितने थे, आज आपके कानपुर में देख लो, यहाँ कल्याणपुर में कितने प्रजा है, कितने लोग हैं, उसमें यहाँ कितने बैठे हैं, देवताएं कितने होते हैं, एक गांव में मंदिर कितने होते हैं, एक दो तीन चार हो गए। तो अच्छे भगवान डायरेक्ट आकर चुन चुन के एक एक को ले आता, जो सात्विक है, पुण्य आत्माएं हैं, जो पहले देवताएं थे उनको चुन चुन कर ले आ करके इधर बिठाता है, सिखाता है, पत्थर को ले आता है, थोक थोक करके मूर्ति बनाता है, फिर वो मूर्ति मंदिर में पूजी जाएगी, सब लोग हाथ चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन पहले उसको ठोकर खाना पड़ता है, मूर्ति अपने आप नहीं बनती है ना। भगवान ने दुनिया में से कलयुग से एक एक पत्थर को लेकर आया है और रोज ठोकता है, रोज पढ़ाता है, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, रोज सिखाता है, सिखा सिखा करके देवता पूजनीय बनाता है। फिर उस मूर्ति को लोग दुनिया वाले मंदिर में रखकर भोग लगाते हैं, खाते नहीं है, मूर्ति खाती है, भोग लगाते हैं, हाथ चलाते हो, मूर्ति को खिलाते हैं, उसकी पूजा, उसकी गायन करते हैं। कौन है? जिसने भगवान जब आया था, भगवान से जितने सेवा लिया है, भगवान की श्रीमत पर अपने जीवन को दिव्य बनाया, अपने बोल, अपने आचरण, अपने कर्म कोई नहीं देखता है, किसी को ना बाबा देखता है, कोई नहीं देखता है,
कभी आप सोचो दूसरे देखते हैं, बाबा देखता है, नहीं, मेरे कर्म मेरे अंदर ही रिकॉर्ड होता है और अपने को ही खाता है कि मेरे अंदर ये कमी है, तो उसका चेहरा सदा हर्षित नहीं रह सकता। सब कुछ है, सोना है, एसी है, फ्रिज है, कार है, सब कुछ है, किसी की कमी नहीं है, लेकिन अंदर कमी है। इसलिए अंदर खाता है, काटा चुपता रहे तो आप सदा हर्षित रह सकते हो। अपने कर्म ही अपने को दुख देता है, कोई दूसरा नहीं देता। तब शिव बाबा आकर के ऐसे कर्म करना सिखाता है जिस कर्मों से सारे कल्प में, एक जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प के बच्चे सुखी, जीवन में शांति समृद्धि हो, और गारंटी देता है बच्चे 21 जन्मों तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता। क्यों? सभी के लिए नहीं है, यहां बैठे सभी हो, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये गारंटी सबके लिए नहीं है। किसके लिए? यहां बैठने के बाद भी ध्यान से सुनते हो, समझते हो और अपने आचरण में परिवर्तन करते हो। मुरली सुनने के बाद देखते हो आज बाबा ने क्या कहा मुझे, तो अपने आप से पूछते हो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए, तो ये अपने आप से बात करते रहो, अपने आप को सुधारते रहो, परिवर्तन पढ़ाते रहो, तो स्वयं को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लिखे नोट करेंगे तो बनेंगे नवा। अपने अपने सिर्फ यहां बैठ करके सुनने से नहीं। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छे एक शब्द बोला कि किसके संग में बैठे हो। सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम कृष्णम सुंदरम, नहीं क्या गॉड इज सत्य, उसके सत्संग में बैठे हो, वो सत्य है और वो आपको भी सत्य बनाएगा। जो सत्य है वो कभी भी झूठ के सहारा नहीं चलेंगे, झूठ के संग में नहीं जाएंगे, उनको पता चलता है ये सच नहीं है। चमकता है जो रोड वोड होता है, वो चमकता है ज्यादा, पता चलता है कि ये सत्य नहीं है, सच्चा सोना नहीं, क्योंकि बाबा ने आगे ऐसी बुद्धि को दिव्य बनाया, सच्चा ज्ञान दिया है। इसलिए बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया, दिव्य बुद्धि माना आत्मा को, आत्मिक स्मृति है, तो आत्मा के अंदर दिव्यता स्वच्छता है। अगर आत्मिक स्मृति नहीं, शरीर का ध्यान है, तो शरीर का विचार चलता है, तो वो ये सही है ये गलत है निर्णय नहीं कर सकते। तो सत्य का संग चाहिए, तो इसलिए जब योग में भी बैठते हो तो एक सत्य यहां नहीं है, तो आत्मा सत्य, आत्मा समझकर सत्य के स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उसकी विधि सवेरे बताएगा सत्य के स्वरूप में कैसे स्थित हो जाएंगे, कौन बताएगा बताओ? आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहिए, सत्य की स्मृति में रहना चाहिए, कैसे रहेंगे माता जी बताओ? हाँ, आत्मा होता है, आत्मचिंतन, आत्मा सत्य है ना, तो आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा ना, एक मिनट नहीं, 5-10 मिनट तक जब बैठते हो शुरू में आत्मचिंतन, एक मिनट में आत्मा होता नहीं, तो उसके अंदर 5-10 मिनट क्या सोचो, मैं कौन सी आत्मा, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मैं आत्मा कहां से आई, सिर्फ आत्मा के प्रति सोचते हो, तब कहेंगे सत्य के स्वरूप में स्थित हो गए, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। सत्य का ही वो भी चुंबक है, तो वो चुंबक सत्य को ही खींचता है। इसलिए बाबा उदाहरण देता, आप कौन हो, सफेद कपड़े पहने हैं, हंस, हंस क्या कर रहा है, सिर्फ कंकड़ के अंदर मोती होती है, मोती चुनता है, बाकी को नहीं लेता। तो अगर आप यहां बैठे हुए सत्य की चिंतन करते हो, आत्मा का चिंतन अगर करते हो, तो शिव बाबा का जो शिव बाबा का चुंबक खींचता है, तब कहते आज अच्छा।
अच्छा ही मिल जाता है। आज कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जिस दिन देखना कम से कम 10-15 मिनट जब भी योग में बैठते सवेरे शाम पहले सत्य के चिंतन में बैठो, सत्य की स्मृति में बैठो, सत्य के स्वरूप में बनो। उसको कहते सत्य आत्मिक स्वरूप पे स्थित हो जाओ, अपने आप नहीं चिंतन करो, सिर्फ आत्मा के प्रति और कोई भी कुछ सोचना नहीं। आत्मा सत्य है और सत्यम शिव सत्य है। दूसरा शिव बाबा के प्रति सोचो, शिव बाबा कहाँ है, कौन है वो, शिव बाबा के पास क्या है, शिव बाबा क्या करता है, कब आता है, कैसे आता है, आकर के क्या करता है, क्या शिक्षा देता है, शिक्षा देकर के क्या समझाता है रोज, मेरा उनके साथ क्या संबंध है, मेरा कौन है वो, मुझे क्या देता है वो, उनके पास क्या है, सिर्फ शिव बाबा के प्रति सोचो। आत्मचिंतन और प्रभु चिंतन, इस दोनों के बीच में और कोई नहीं आया। इसको कहते हैं एकाग्रता है, एक के साथ एक रस अवस्था, एक के साथ संबंध जुड़ा है, वो आपको ताकत देता है, वो शक्ति आत्मा के पाप को मिटाता है। आत्मा के ऊपर सत्य के ऊपर असत्य का जो प्रभाव पड़ा हुआ है, सत्य आत्मा है तो उस सत्य के ऊपर असत्य शरीर के भान में रहने के कारण, शरीर में रहकर जो हमने गलत कर्म किया उसका प्रभाव है। तो ये सुप्रीम सत्य शिव बाबा की शक्ति से इसको साफ करता है। उसको बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं। ऐसे अगर आप तपस्या करते हो रोज, चाहे घर में करो चाहे यहां आके बैठो, आधा घंटा चाहिए सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा, अगर आपके मन में कोई भी असत्य शरीर शरीर धारियों के विचार नहीं आता, सिर्फ आत्मा का चिंतन और शिव बाबा का चिंतन, ये दो चिंतन अगर आप करते हो तो आपका योग लग रहा है। मेरा योग लगना नहीं, ऐसा नहीं, योग का अर्थ पता होना चाहिए। योग लगना मीन्स क्या होता है, क्या होना चाहिए, योग कैसे लगेगा, अपने आप नहीं लगता, कुछ नहीं करना। जब भी आप योग करने बैठते हो सवेरे दिन में शाम को बैठते ही आप अपने उसकी विधि है, खाना खाने बैठते हो दो हाथ आपके हैं, इस हाथ से भी खा लो, नहीं खाना खाने की विधि है, इसी हाथ से खाना चाहिए। तो योग करने की भी विधि है, जब भी आप योग में बैठते हो ये दो बातें याद रखो, तो कभी भी नहीं कहेंगे मेरा योग लगता नहीं। और उसके बाद सारा दिन जो आप कर्म करते हो देखना, उस कर्मों से आप कभी भी असंतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट होते और हर कर्मों में सफलता मिलेगी। क्यों? भगवान के साथ शिव बाबा सत्य बाप के साथ संबंध है, उसको याद करके कर्म करते हो तो कोई भी कर्म भ्रष्ट नहीं होगा, कोई भी कर्म गलत नहीं होगा, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, मेरे से ये काम कैसे हुआ, ये कैसे गलत कर्म हो गया, पश्चाताप होता है बाद में। क्यों? कि उसको हम साधारण भाषा में कहते हैं बाबा की याद में कर्म करो। तो बाबा की याद में कर्म कैसे करेंगे, कर्म करना पड़ता है। तो सवेरे के योग में बैठते हो, शाम को योग में बैठते हो, आत्मचिंतन चिंतन। हाँ, बाकी आप बाकी सारा दिन काम करते हो तो पांच स्वरूप का चिंतन करो, ज्ञान का चिंतन करो, मुरली का चिंतन करो। योग में बैठकर पांच स्वरूप का चिंतन नहीं और मुरली का चिंतन नहीं, उसके लिए समय अलग, वो चिंतन है। समाज का चिंतन कर्म करते समय, स्नान कर रहे हो, कर्म करते हो, खाना बनाते हो, वॉकिंग करने जाते हो, उस समय मन में व्यर्थ नहीं आना चाहिए। तो उसका स्वमान ले लो, उसका चिंतन करो, मुरली का चिंतन करो, मुरली का वर्णन करो। योग और कर्म जिसे बाबा ने देखो एक हफ्ते पहले वो सुंदर स्पष्टीकरण किया था, इसी के ऊपर बच्ची योग अलग, चिंतन अलग, सेवा अलग,
सेवा करते योग में बैठकर सेवा का चिंतन करो, वो भी योग नहीं है। सेवा बाबा की सेवा है और किसी की नहीं। योग में बैठे बाबा के प्रति सोच रहे हो, बाबा ये सेवा कैसे करो, ये ऐसा करो, सेवा का प्लान बना लो। जैसे प्रकाश भाई करता है, योग में बैठता है और प्लान बनाता है सेवा के, ऐसे करते हो कुछ हवा के तरह। इतनी बड़ी इतनी सेवा है कैसे, योग में बैठ के बाबा ये सेवा कैसे करो, अभी इसके मन में ऐसे चलेगा मकान हॉल कैसे बनाओ, बाबा से बात करता रहेगा। तो योग है कि सेवा है? हाँ, ये योग नहीं है। बाकी समय पर अलग योग करने के बाद बैठ करके वो सोचे बाबा ये हॉल कैसे बनाना है, बाबा से राय ले लो, इसलिए हम बाबा के कमरे में जाके बैठते हैं, बाबा से रूढ़ियान करते हैं, बात करते हैं, बाबा ये सेवा कैसे करे। योग में बैठ के ये सब चीजें नहीं होते। तो योग विकल्प विनाश करने के लिए, उसको दुनिया में कहते हैं खाना खाते समय और कोई विचार नहीं करो, और कोई बातें नहीं करो, खाना खाते समय अच्छे विचार करो। यहां भी आत्मा को योग क्या है, आत्मा को खाना खिला देना, शक्ति भर रही आत्मा के अंदर, उसके अंदर और कोई बातें नहीं आना चाहिए। तो आत्मा को सशक्त बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध शक्ति चाहिए।